नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। बॉलीवुड पर इन दिनों भाई भतीजावाद, इनसाइडर्स आउटसाइडर्स, गॉडफादर से जुड़ा होना या बिना गॉडफादर के इंडस्ट्री में सरवाइव करने जैसे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। आम जनता से लेकर कंगना रनौत, अभिनव सिंह कश्यप, पायल रोहतगी जैसे बॉलीवुड की कुछ चर्चित हस्तियां भी इस मुद्दे पर बात कर रही हैं, और वजह है सुशांत सिंह राजपूत का अचानक आत्महत्या कर लेना। अब इन नामों में एक नाम और जुड़ गया है, वो है बीजेपी सांसद रूपा गांगुली का, जिन्होंने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने खुले तौर पर फिल्म उद्योग में भाई भतीजावाद चला रहे कुछ हस्तियों की फिल्मों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। एक इंटरव्यू के दौरान रूपा गांगुली ने कहा है कि अब मैं कुछ ऐसे लोगों की फिल्में नहीं देखूंगी जिन्होंने देश को संदेश दिया है कि छोटे शहरों के लड़के और लड़कियों को फिल्म उद्योग में नहीं आना चाहिए। नेपोटिज्म हर जगह होगा, पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इतना भी नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए कि इसके चलते कुछ लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया जाए। आप देख सकते हैं कि रूपा गांगुली की टाइमलाइन इन दिनों #CBI4Sushant से भरी हुई है। इसी के साथ उन्होंने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं, जैसे बिना सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम के पुलिस ने सुशांत को लेकर कैसे आत्महत्या की घोषणा कर दी, पुलिस ने अभी तक घर को सील क्यों नहीं किया, सुशांत का कुत्ता कहाँ है। इस तरह के तमाम सवाल ना सिर्फ रूपा गांगुली ने उठाए हैं, बल्कि आम जनता भी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मुद्दे उठा रही है। सुशांत सिंह की मौत ने ना सिर्फ उनके परिजनों को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। महज 34 साल की उम्र में खुद को मौत के हवाले करने वाले सुशांत सिंह की पहेली अब तक सुलझ नहीं पाई है, और ये कब तक सुलझती है इस बारे में भी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत इंस्टाग्राम में जिनको फॉलो कर रहे थे, द पीपल हुम ही वॉज फॉलोइंग, वो संख्या घट कैसे रहा है, वो नंबर्स कम कैसे हो रहे हैं? दिस इज टैम्परिंग ऑफ एविडेंस। उसमें क्या डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, किसी को नहीं पता। क्या डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, किसी को नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? कोई उसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, पुलिस या कोई और? उसका उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट हो रहा है कैसे? मुझे पहले सुनने को मिला था, यकीन नहीं हुआ था, मैंने स्क्रीनशॉट्स जुगाड़े और स्क्रीनशॉट्स मैं खुद भी लिया। ये कैसे हो सकता है? ये सीबीआई जांच कितने देर तक आएंगे? तो जब तक सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद